SN Live सच सबसे आगे। सिवान के मेरवा में पति की हत्या में आशिक समेत पत्नी गिरफ्तार। दो सप्ताह पूर्व मेरवा थाना क्षेत्र के करजनिया के एक अधेड़ की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की हत्या में उसकी ही पत्नी की संलिप्तता सामने आई है। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की कहानी रची थी। हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए भाटपार रानी की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि आपको मेरवा थाना क्षेत्र के करजनिया निवासी चंद्रबास सिंह का शव 28 जून को उसके ससुराल भाटपार रानी थाना क्षेत्र के दीवारी अहिरोली के शमशान घाट के निकट खाड़ के पास देखा गया था। शव क्षतविक्षत स्थिति में होने के कारण अत्यंत परीक्षण रिपोर्ट अस्पष्ट नहीं हो सकी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को अनुसंधान में परेशानी हुई, बाद में विसरा जांच के लिए भेजा गया। शव के पास मिले मृतक के मोबाइल और डायरी के आधार पर उसकी पहचान हो सकी थी। वहीं अनुसंधान के क्रम में भाटपार रानी की पुलिस मेरवा थाना क्षेत्र के करजनिया निवासी मृतक चंद्रमा सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल हो गई। भाटपार रानी थानाध्यक्ष डीजे सिंह के मुताबिक चंद्रमा सिंह के ससुराल में हुई हत्या में उसकी पत्नी सुधा देवी और खामपार थाना क्षेत्र के जवाहर डीह निवासी सुभाष यादव की संलिप्तता मिली है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दोनों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि चंद्रमा सिंह की पत्नी अपने मायके में रहती थी, उसकी नजदीकी सुभाष यादव के साथ हो गई थी। सुभाष यादव ने चंद्रमा सिंह की पत्नी सुधा देवी को भाटपार में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर बता दी कि चंद्रमा सिंह राजस्थान में काम करता था। अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए वो गांव वापस आया था। राजस्थान लौटने के दौरान वह अपने ससुराल उत्तर प्रदेश के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के तिवारी अहिरोली गांव था और घर कहकर गया हुआ था। वह ससुराल से ही राजस्थान चला जाएगा, लेकिन 28 जून को उसके ससुराल तिवारी अहिरोली शमशान घाट के निकट शव सड़े हालत में पड़ा हुआ मिला था। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट